नमस्कार, मैं हूं शालू बत्रा और आप देख रहे हैं पल पल। बीमा क्लेम की राशि की मांग को लेकर किसान चढ़े पानी की टंकी पर। मौके पर तहसीलदार व पुलिस प्रशासन पहुंचे। पिछले 43 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं किसान। लघु सचिवालय के समक्ष दिया जा रहा था धरना, आज किसानों ने दिया गाँव रूपावास में धरना। सिरसा ज़िले के किसानों का करीब 172 करोड़ का बीमा क्लेम है बकाया। किसानों का ऐलान, बीमा क्लेम की राशि मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन। कल से किसान दूसरे गांवों में भी पानी की टंकी पर चढ़कर जताएंगे विरोध। बीमा क्लेम की राशि की मांग को लेकर जिले के किसान पिछले 42 दिनों से सिरसा के लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आज 43वें दिन किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और आज अनोखे अंदाज में सरकार के खिलाफ रोष जताया। किसानों ने गाँव रूपावास के जलघर की टंकी पर चढ़कर सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए सरकार को चेतावनी दी कि जब तक उनकी बीमा क्लेम की राशि उन्हें नहीं मिल जाती तब तक वो नीचे नहीं उतरेंगे। सूचना मिलने पर प्रशासन के अधिकारी और पुलिस बल वहां पहुंचा और किसानों को मनाने में जुट गए। फिलहाल किसानों द्वारा बनाई गई एक 5 सदस्यीय कमेटी से तहसीलदार की बात जारी है, लेकिन किसान इस बात पर अड़ आए हैं कि जब तक बीमा क्लेम की राशि उनके खाते में नहीं आ जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उधर किसानों का कहना है कि उनका लगभग 172 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम की राशि का बकाया है। सरकार बार बार केवल बातचीत कर उन्हें सिर्फ आश्वासन दे रही है, जबकि उनकी बीमा क्लेम की राशि नहीं मिली। किसान पिछले 42 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या सरकार का नुमाइंदा उनकी सुध नहीं ले रहा। किसानों ने कहा कि आज मजबूरी में टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी बीमा क्लेम की राशि नहीं मिल जाती तब तक उनका आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। किसानों ने कहा कि आंदोलन को और तेज करते हुए कल से किसान अन्य गाँव में भी इसी प्रकार टंकी पर चढ़कर रोष जताएंगे। पल पल की यह खास रिपोर्ट। हमारा धरने का आज 43वां दिन है। हमने सारे प्रशासन को चिट्ठियां भेज चुके हैं, 12 चिट्ठी भेज चुके हैं हम, लेकिन एक ही चिट्ठी का किसी ने जवाब नहीं दिया और ना ही किसी ने गौर किया। इसलिए आखिरी जिम्मेदार किसानों का ये आखिरी दिन आ चुका है। इसलिए हमारे जो लड़के हैं मरणासन पर बैठे हैं, इसमें अगर कुछ भी हुआ तो उसका सरकार जिम्मेवार होगी। हम इसलिए यहाँ आके बैठे हैं कि सरकार सुनवाई करे। दो ही बातें, दो ही विकल्प बाकी रह गए हैं, या तो हमारे पैसे जो हैं किसानों के खातों में भेजे जाए, और या फिर आगे जो घाटबाद यहाँ हो गया वो उसका जिम्मेवार सरकार होगी। और एक ये टंकी रूपावास की टंकी नहीं है, सिरसा जिले की जितनी टंकियाँ हैं सब टंकियों पर धरना दिया जाएगा, और जो भी कहीं नुकसान हुआ उसका जिम्मेवार सरकार होगी। इन जो है ना, इनकी कोई जो बीमा योजना के जो मुआवजा है जिला सिरसा का, उसकी उनकी मुख्य मांग तो वो है कि हमारा जल्दी जल्दी हमारे खाते में पैसा जमा होना चाहिए। इसके लिए मैंने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में मतलब संज्ञान में लिया दिया, और लिखित में भी मैं अभी जल्दी उच्च अधिकारियों को भेजूँगा जो सरकार तक पहुँचा करके जल्दी जल्दी इनका पैसा जो है इनके खाते में जमा होना चाहिए। ये इनका वाजिब हक भी है और हम इसके साथ हैं। इस चीज़ के लिए तो जो है ना, हम सरकार को तुरंत भेजने अभी तैयारी कर रहे हैं, इसको संज्ञान में ला करके पैसा कोशिश करेंगे कि इनका पैसा इनके खाते में जल्दी जल्दी आए।